हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एम पर। और मैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फोर्थ नंबर लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। पिछले तीन लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके एप्लीकेशन पर सेकेंड लेक्चर था, और थर्ड में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके कुछ बेसिक आइडियाज पर बात किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ अच्छी अच्छी बातें, देख लो, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया हुआ था, जो भी होता है ना। अगर एक पॉइंट चार्ज कारण हम लोगों ने देखा था वो के क्यू अपॉन आर आ रहा था, है ना। अगर हम कैपिटल आर नहीं लिख रहे, स्मॉल आर नहीं लिखे, ज्यादा बेटर है। के का वैल्यू 1/4 ε₀ आर होता है, सॉरी ε₀ होता है, ठीक है। इतना तो होता है पोटेंशियल। इसको जो बुक अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है उस तरह से भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो हम इंटरप्रेट किए थे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बुक के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या क्या है कहां। सबसे सपोज कर लेते, मान लेते यहां पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक है ना, एक जानते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसने क्या किया है कि हम एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहे हैं इंफिनिटी से। कितना लेकर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब कोई प्लस वन वाला, ठीक है। हमने उठा करके इसको इंफिनिटी से उठा करके किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी उठा करके लेके आए हैं यहां पर। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, हम लेकर के आए इंफिनिटी से इधर की तरफ। तो जितना भी काम करना पड़ेगा हम उसी कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनना मेरी बात को, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टू द रीजन ऑफ एनी चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन है इस चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आने में कितना भी काम करना पड़ा उसी को वर्क डन कहेंगे। सॉरी, इतना चार्ज करेंगे तो वर्क बराबर होता क्या है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। वर्क अपन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर होता है। तो मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा, जब इस प्लस वन चार्ज को हम इधर लेकर के आ रहे होंगे तो फोर्स किसी भी जगह, मान लेते हैं हम किसी एक्स डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, तो जब यहां पर ला करके रखे होंगे चार्ज को तो फोर्स क्या लग रहा होगा, प्लस वाले को रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ, तो फोर्स लग गया इधर। और डिस्प्लेस हम इधर करवा रहे हैं क्योंकि हम इधर लेके आ रहे हैं, तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट से हम इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, डिस्प्लेस इधर करवा रहे हैं, तो 180 डिग्री का मामला बन रहा है, तो वर्क तो निगेटिव हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं क्या, एफ तो हो जाएगा हमारे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां पर क्योंकि चार्ज हमारा आ चुका है, अब चार्ज यहां आ चुका है, फाइनली हम किसी आर डिस्टेंस को लेकर आना चाहते हैं, तो अभी यहां पर पहुंच चुका है। तो जब यहां चार्ज पहुंच चुका है तो कितना वर्क हुआ होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू माइनस वन जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस 180 डिग्री माइनस वन हो गया। क्यू के जगह पे यहां पर लिख सकते क्या, प्लस वन है ये चार्ज, क्योंकि अगला चार्ज है वो प्लस वन चार्ज है ना, इसी चार्ज को उठा लिखा है, ये बेसिकली यहां पर प्लस वन चार्ज है। अगर वहीं पर कैपिटल सॉरी स्मॉल क्यू लेके आते तो वर्क निकल जाता, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता। अभी प्लस वन के बारे में बात कर रहे थे, यहां से वो के क्यू बाहर आ गया, क्या निगेटिव भी बाहर आ गया, क्या अंतर में क्या बचा, डीएक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, और कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास ये तो पता है ना, माइनस में के क्यू आ रहा है, इसका वैल्यू माइनस में 1/x हो जाता है इन्फिनिटी से आर तक, तो माइनस में के क्यू हो गया, अपर लिमिट पुट कर लेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस में 1/r हो जाएगा, अब प्लस में 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ हो गया जीरो, दैट्स के क्यू अपॉन आर, और यही हमारा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या कब है, जबकि हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लाया है किसी आर डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल किसी भी आर डिस्टेंस पर इतना हो जाता है, ये हमारा हो गया, दैट्स इट। तो दिक्कत है, जो एनोटेशन आते रहता है मतलब स्क्रीन पर आ रहा है उनको भी कॉपी करना है, डेफिनेशन वगैरह हम स्क्रीन पर ही डाल देते हैं, इधर का चीज इधर चलते रहता है, ठीक, कॉपी कर लो। अभी देखने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत लंबा सा भी से ये सीरीज चलेगा इसके बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, चार्ज्ड आर्क के कारण बात कर रहा है, कोई भी आर्क है, चार्ज्ड आर्क है, उसे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यही हमारा चार्ज्ड आर्क है, ठीक है, और इसका टोटल एंगल है, ये एंगल है अल्फा, कितना एंगल है अल्फा, और इस पर नेट चार्ज क्यू है या फिर चार्ज पर यूनिट लैम्डा दिया हुआ है, और हमको निकालना है इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, और इस पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। याद करो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते थे इसके पास, है ना, यहाँ पर 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2, ठीक है, देखा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, एक एक चार्ज का निकालो पोटेंशियल, असल का पकड़ के जोड़ दो, ठीक है, एक एक छोटे छोटे चार्ज का पोटेंशियल निकालो पकड़ के जोड़ दो, बस हम ये करते हैं। तो थोड़ा देखो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे कर रहे हैं, ये ना हमारा आर्क, ठीक है, हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा चीज देखना, बहुत बहुत सिंपल सा तरीका यूज करेंगे, ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहां से है ना, यहीं से एक छोटा सा एक चार्ज काट लेते हैं, है ना, और मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, यहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट किए थीटा, और इसका विड्थ हो गया डी थीटा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा, और जो इसका चार्ज है हम इसको कह रहे हैं डी क्यू, इज इट ओके, तो हम कहते हैं इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर, यानी के डी क्यू बाय आर, क्योंकि रेडियस तो आ रही है, आइए समझ, तो इसके कारण जो छोटा सा पोटेंशियल बनेगा वो क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नेट जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू अपॉन आर हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, दैट्स इट, कहानी खत्म। देखो के बाय आर, अच्छा के तो कॉन्स्टेंट है और आर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेडियस है, तो के बाय आर तो बाहर आ गया, और अंदर में हमको जोड़ना है डी क्यू को, सिर्फ डी क्यू को, और डी क्यू को जोड़ोगे क्या मिलेगा पूरा चार्ज, बात समझ में कि नहीं, क्या मिला के क्यू अपॉन आर, कितना आसान हो गया, कुछ है क्या, यानी कि बेसिकली इस आर्क के ऊपर जितना भी चार्ज है के क्यू अपॉन आर, दैट्स इट, के क्यू अपॉन आर, दैट्स इट, के क्यू अपॉन आर, दैट्स इट, अच्छा लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ एल बराबर क्या हो जाएगा आर अल्फा, बोलेगा ना, तो क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इज इट ओके, तो यहां से अगर हम देख लें कि भी नेट के जगह पे यानी चार्ज की जगह क्या लिखेंगे लैम्डा आर अल्फा लिख देंगे, तो भी नेट अब क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, भी नेट क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के लैम्डा आर अल्फा अपॉन आर, तो बेसिकली हो गया के आर अल्फा भी आ गया, अगर हमारे पास सॉरी के लैम्डा अल्फा, ठीक है, अगर लैम्डा दे देगा तो हम लोग के लैम्डा अल्फा लिख देंगे, नहीं तो सबसे बेस्ट है के क्यू बाय आर हर समय, ठीक है, अभी देखो सवाल करते इस पर छाप लो, तो अभी देखो यहां पर तीन क्वेश्चन हम लिए हुए, ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमको पता है कि वो है के, अगर लेमडा दिया रहेगा तो लेमडा इंटू अल्फा, है ना, तो अल्फा कितना है इसका टोटल सेंट्रल एंगल, ये जो आपका पाई बाय टू है तो बस पुट कर दो, हो गया आंसर, तो यहां पर क्या के लेमडा इंटू पाई बाय टू, अगर इस पर चार्ज क्यू दिया जा रहा था तो बस के क्यू बाय आर हो जाता सीधा आंसर, है ना, इस पर भी के क्यू बाय आर, इस पर भी के क्यू बाय आर, लेकिन लेमडा दिया है तो हम उसके हिसाब से बात कर सकते हैं, तो भी बराबर दिया जाए के लेमडा अल्फा क्या हो जाएगा पाई, अल्फा वैल्यू कितना है पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा के लैम्डा इंटू थ्री पाई बाय टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा थ्री पाई बाय टू, क्योंकि ये टोटल एंगल हो जाएगा थ्री पाई बाय टू, यानी कि 270 डिग्री, एकदम आसान हो गया, अल्फा का वैल्यू देखो सबका आंसर, दैट्स इट, अगर इस पे चार्ज क्यू लिखा रहा था तो सीधा के क्यू बाय आर लिखते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते इसी में, सपोज कर ले सर्कुलर रिंग है, पूरा कंप्लीट सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो सेंटर पर टोटल एंगल कितना बन रहा है टू पाई, तो v बराबर क्या हो जाएगा v एट सेंटर ऑफ रिंग बराबर क्या हो जाएगा k लैम्डा, इस पर लैम्डा है और अल्फा की जगह पे टू पाई, ठीक है,
और अगर हम इसको बोल देंगे चार्ज है क्यू, है ना, अगर यही पे चार्ज रिंग है और इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके सेंटर पे क्या बनेगा, डी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सेंटर ऑफ रिंग, इट्स टू इजी, कोई दिक्कत नहीं ना, छाप लो जल्दी से, जल्दी छापो, आगे भी आप देखो ध्यान से, ये यहां पर हम कह रहे हैं ऐसे ऐसे रखा हुआ, ये है प्लस लैम्डा और ये है माइनस में टू लैम्डा, कह रहा है यहां पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, ठीक है, जबकि ये लेंथ है हमारा a और ये लेंथ है हमारा 2a, तो हम कह देंगे इससे कितना पोटेंशियल होगा, इससे कितना पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर लो, दैट्स इट। तो पोटेंशियल एट सेंटर जो बनेगा वो जो k लैम्डा अल्फा लैम्डा और अल्फा क्या जाएगा पाई बाय टू, सॉरी बाय क्यों कर रहा हूं, पाई बाय टू, और इसमें वोल्टेज निगेटिव आ जाएगा तो k इंटू टू लैम्डा इंटू पाई बाय टू हो जाएगा। Is it okay? K into 2 lambda into pi by 2 हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास 2 minus में K lambda into pi by 2. That's it. Answer. कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर lambda में दिया हुआ था तब हम इस तरह से काम कर रहे थे, चार्ज देता था तब फिर कैसे काम करते, तब देखना ध्यान से कैसे करना है। सपोज कर लेते ये हमारा एक ऐसे दिए दिया, ठीक है, और इस पर दिया प्लस टू क्यू और इस पर दिया है माइनस में टू क्यू और ये लेंथ दिया है ए और ये लेंथ दिया है, चलो बी कर लेते हैं, इस पर अलग कर लेते हैं, ठीक है, तब फिर कह रहा है बताओ इस पे सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, है ना, ये रिंग है सेम जो भी ऐसे करके, तो पोटेंशियल यहां पर कितना बनेगा, के क्यू आर, दैट्स इट, के क्यू अपॉन ए, इसे क्या हो जाएगा माइनस में के, इसका चार्ज है टू क्यू अपॉन बी, दैट्स इट, खत्म हो गया। के क्यू कॉमन आ जाए क्या, के क्यू कॉमन आ गया तो वन अपॉन ए माइनस में टू अपॉन बी, दैट्स योर आंसर। कुछ है क्या इसमें, सवाल समझ में आ गया, छाप लो जल्दी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाथ तेज चलाना है, ठीक है, अगला देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहां यहां है ऐसे और ये यहां है ऐसे, ठीक है, इस पर चार्ज है क्यू, इस पर है माइनस में टू क्यू और इस पर है प्लस में थ्री क्यू, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, सॉरी टू ए और ये लेंथ है थ्री ए, ठीक है, तब कह रहा बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो बस के क्यू बाय आर, इसका के क्यू अपॉन ए इसका रेडियस है, इसका k 3q अपॉन इसका रेडियस 3 हो जाएगा, इसका k q अपॉन इसका रेडियस 3 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q अपॉन a प्लस k 3a और इसका करंट हो जाएगा माइनस में k 2q अपॉन 2a, तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो k q अपॉन a, k q अपॉन a खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ k q अपॉन a, दैट्स योर आंसर। उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल आराम से बनेंगे, है ना, तो छापते जाओ जल्दी, छाप दिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अब देखना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक रिंग है ऐसे, देखना ध्यान से क्वेश्चन को, इस पे आधा पे प्लस में टू क्यू चार्ज है और जो आधा हिस्सा इधर वाला है इस पर माइनस में थ्री क्यू चार्ज है और रेडियस दिया हुआ आर, कह रहा है इसके सेंटर पर पता कितना वोल्टेज होगा, इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो बस हमको पता है के क्यू आर होता है, तो इस सेक्शन के कारण हो जाएगा के टू क्यू अपॉन आर यहां पर, और क्या हो जाएगा के माइनस में थ्री क्यू अपॉन आर हो जाएगा, दोनों को एड कर दो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना यहां पर, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या बनेगा, इसका चार्ज अपॉन आर, तो के 2q अपॉन इसका r, अब फिर से करेंगे माइनस में k
थ्री क्यू अपॉन आर, बस वोल्टेज निकालना है पोटेंशियल, तो सिर्फ चार्ज से के क्यू अपॉन आर करते जाना है। मेरा काम बन गया, यहां से देख लो थ्री में से टू चला गया, साफ दिख रहा है के क्यू अपॉन आर दिख रहा है माइनस में, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली ये फिर से सेम उसी तरह का सवाल दे दिए हैं, ऐसे ही सवाल है। ठीक है, तो यहां से यहां तक चार्ज है प्लस टू क्यू 45 डिग्री पर, ठीक है, और ये 30 डिग्री है इधर, ठीक है 30 डिग्री इधर तक, और ये चार्ज जो है इधर की तरफ यहां से यहां तक ये हमारा माइनस में 3 क्यू और इसमें चार्ज है सिर्फ क्यू, तो कह रहा है बताओ सेंटर पर कितना वोल्टेज होगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर, कोई मतलब है एंगल वगैरह से कुछ नहीं, बस बताओ हमको k इसका चार्ज बाय इसका रेडियस r है, तो क्या लिखें k इसका चार्ज, फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, हमको बस पोटेंशियल लिखना है, कोई भी r का वोल्टेज होता है k क्यू बाय r, तो जो भी r बन रहा है उसका वोल्टेज k क्यू अपॉन उसका चार्ज लो उसका रेडियस लो, दैट्स इट। तो ये इतना आर्क तो बना ना, ऐसा रेडियस आर दिया हुआ, तो इसका के क्यू अपॉन आर कर देंगे, फिर इस ये जो आर्क बन रहा है इसका के क्यू अपॉन आर कर देंगे, फिर इसका के क्यू अपॉन आर, इनों को ऐड कर दो सीधा, दैट्स इट, इसका लिए ऐड कर लेना। तो के यहां स्टार्ट करते हैं माइनस में थ्री क्यू अपॉन आर, इसका जो है के क्यू अपॉन आर, और ये प्लस में ही है के यहां हो जाएगा टू क्यू अपॉन आर, सॉल्व कर लोगे आई थिंक जीरो हो जाएगा है ना, टू क्यू क्यू दैट्स इट आंसर। समझ में आ गया कि आर्क वाले में कैसे सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, छाप लो जल्दी से। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्ट्रिंग एट इट्स एक्सिस, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, मेरे पास एक चार्ज रिंग है, ठीक है, एक चार्ज रिंग हो गया ये ऐसे, और इस पर है सपोज करते प्लस यू चार्ज है और इसका रेडियस दिया हुआ है आर, और हमको जानना है इसके एक्सिस पर, अभी तक सेंटर पर निकाले थे ना, देखो चार्ज रिंग था ना ऐसे, इसके एक्सिस पर यहां पर देखो चार्ज रिंग ऐसे है, इसके सेंटर पर निकाल चुके हैं क्यू बाय आर, अब यहां बात कर रहे हैं जैसे एक्सिस पर निकालते ना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहां बता ना जी एक्स डिस्टेंस कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला थे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर थ्री बाय टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहां पर उसी तरह से वोल्टेज निकालना है, तो ऐसे हम यहां पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही छोटे छोटे चार्ज तोड़ लेंगे, कमाल हो गया मेरा काम कुछ है नहीं, तो हम मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज यहां पर, चलो यही तोड़ लेते हैं, यहां पर तोड़ लिए इसका चार्ज का नाम पेंटी क्यू, और इसका यहां से तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, इसको हम आर कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, है ना, तो इस छोटे से कितना वोल्टेज बनेगा के क्यू आर, तो छोटा सा जो वोल्टेज बनेगा वो डीवी बनेगा, उसको कहें के डी क्यू अपॉन आर, तो भी जो बनेगा वो इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू अपॉन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या क्या बाहर आ रहा है, के आर, इस आर जो है ये स्मॉल आर, ये हर एक चार्ज के लिए सेम हो जाएगा, ये आर तो फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि कैपिटल आर मेरा फिक्स है और एक्स भी सेंटर से ये डिस्टेंस फिक्स है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया ना, और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा, तो यहां से बाहर आ गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बाहर गया अंदर बच गया डी क्यू, और डी क्यू जोड़ क्या मिलेगा क्यू, के क्यू अपॉन रूट ओवर, एकदम सस्ता है जी, नहीं के क्यू अपॉन आर, अगेन देखो वही आर आ गया, लेकिन ये आर वो सेंटर वाला आर नहीं है, ये है इसके इस वाले ना जो सर्कमफेरेंस से इसका इस एक्सिस का डिस्टेंस है आर, है ना, तो वही हमारा आ रहा है वोल्टेज, कोई दिक्कत है, छाप लो के क्यू अपॉन आर।
हाँ देखो ये सवाल जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का सवाल है, और समझ लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ABCD ये स्टार्ट हो रहा है। ध्यान समझना ये सवाल को, नहीं समझ में आएगा समझ लो इसके आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के पूरा समझना इसको। VA माइनस में कह रहा है VB निकाल दो, ये सवाल अपनी जगह पर रहने दो, हमको इससे कोई दोस्ती अभी है नहीं, तो सवाल का अपना स्तर है। पहले समझते कि यहाँ पर करना क्या क्या, हमको निकालना है पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी, इन दोनों ही जगह पर पोटेंशियल निकाल करके सब्सट्रैक्ट कर देना है, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन कहीं पर भी पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, हर एक चार्ज के कारण निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना बार बोले थे, बहुत बार बोले थे ना। सिमिलरली कहीं पर भी अगर बोला है पोटेंशियल निकालने के लिए, तो जितने सारे चार्ज होंगे उन सब के अगर पोटेंशियल निकालना है, तो अगर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल हमको बताओ ए पर, ए पॉइंट पर बताओ वोल्टेज, तो ए पॉइंट पर कौन कौन पोटेंशियल बनाएगा, एक तो पहले ये पूरा रिंग बनाएगा, साथ में ये भी तो बनाएगा, सिर्फ इस पॉइंट पर यही नहीं बनाएगा, बात समझना। बहुत सारे लोग बनाते बनाते बस यही कर देंगे, इसका वोल्टेज निकाल देंगे, इसका वोल्टेज निकाल दो घटा देते हैं, तो नहीं करना है भाई, यहां पर ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, सिमिलरली बी पॉइंट पर ये वाले बनाएगा और ये वाले पोटेंशियल बनाएगा, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो पहले हम ए पॉइंट पर लिख रहे हैं, कैसे, ड्यू टू ए, ऐसे लिख लेना है पहले, अगर कंफ्यूजन होता है तो पहले अच्छे से लिखना है, ड्यू टू बी, यानी कि पहला रिंग और दूसरे रिंग का कारण वोल्टेज। तो पहला बात बताओ कि ये अगर हम ए पॉइंट पर वोल्टेज लिखना चाहते हैं ड्यू टू दिस वन, तो देखो ये रिंग के सेंटर पर ये पॉइंट है, और सेंटर के लिए क्या लिखे थे, के क्यू अपॉन आर, दैट्स इट, इस पर चार्ज है क्यू, इसे हम वोल्टेज है के क्यू अपॉन आर, खत्म। अब ए पॉइंट पर इसे अगर वोल्टेज लिखना है ना, ये निगेटिव चार्ज है, तो हम कैसे बताए थे, यही था रिंग, उसके कारण एक्सिस पर अगर ये एक्स डिस्टेंस है, तो यहां पर अगर ये हमारा आर हो गया और ये रेडियस आर हो गया, तो यहां पर क्या बताए थे, वोल्टेज के क्यू अपॉन ये आर, है ना, ये वाला डिस्टेंस आर चाहिए हमको, है ना। तो सिमिलरली हमको ये भी डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये अगर आर है और ये भी आर है, तो हो गया आर रूट टू, तो क्या लिखेंगे, के माइनस क्यू और आर रूट टू, तो प्लस में क्या लिखेंगे, के माइनस क्यू और आर रूट टू, ये हो जाएगा। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, इस पॉइंट पर ये भी वोल्टेज बना है और इसने वोल्टेज बना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सॉरी ऐड कर दिए। और उसी तरह से बी पॉइंट पर बात करेंगे, तो बी पॉइंट पर अगर लिखना चाह रहे हैं वोल्टेज, क्या लिखेंगे, सिमिलरली इसके कारण यहां पर बात हो रही है, तो इसका चार्ज क्यू, यानी के क्यू अपॉन इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा अगेन आर टू प्लस इसके कारण इसके सेंटर पर के क्यू अपॉन आर, यानी के माइनस क्यू अपॉन आर, और दोनों का फिर घटा देना था, तो बी ए माइनस बी भी लिख रहे हैं, दोनों घटा देते हैं, घटाना कैसे, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहां पर प्लस बन जाएगा, तो सॉल्व कर देते हैं, दैट्स इट, माइनस है ना, प्लस हो गया, कुछ कट रहा है क्या, ए माइनस ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, नहीं कोई कट उठ नहीं रहा, यहां से हो गया हमारे पास 2KQ अपॉन R, और माइनस में हो गया 2KQ अपॉन R रूट 2, साफ दिख रहा है 2KQ अपॉन R बाहर आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, इतना आंसर हो गया, दैट्स इट, है ना, इतना और इतना दोनों को, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, इसलिए 2 हो गया, और ये प्लस में है और ये प्लस में, दोनों घटा लेना सिंपली, ठीक है, हो गया आंसर, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, हमारे पास फिर से दो चार्ज दिख रहा है ना, और इस बार इसका रेडियस दिया हुआ आर, इस पे चार्ज है क्यू, इस पर रेडियस दिया, इसका चार्ज दिया माइनस टू क्यू और इसका रेडियस दिया टू आर, बस प्रैक्टिस करने के लिए, तो ध्यान समझ लो कि फिर से कैसे बना रहे हैं। तो अगर हमको निकालना है पहले ए पॉइंट में वोल्टेज और इस बी पॉइंट में वोल्टेज, पहले एक दो चीज निकाल ही लेते हैं जिसकी बहुत बार जरूरत पड़ती है, ये लेंथ की जरूरत पड़ जाती थी, अगर ये टू आर है और ये भी आर है, तो टू आर का स्क्वायर फोर आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर, यानी कि आर रूट फाइव बन जाएगा, ये लेंथ है ना, पाइथागोरस का थ्योरम लगा देना, और हमको ये लेंथ मिल गया, इस बार हमको अब ये लेंथ चाहिए, ये आर है ये भी आर, ये आर रूट टू बन जाएगा, ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ती। उसी तरह हम बोलेंगे पोटेंशियल एट ए बताओ, ए पॉइंट वोल्टेज किसे किसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ड्यू टू ए और ड्यू टू बी, दोनों निकालेंगे,
ए पॉइंट वोल्टेज इसके कारण के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। फिर बी के कारण ए पॉइंट वोल्टेज, इसका चार्ज के क्यू के माइनस टू क्यू माइनस, वो माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं, अपॉन ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ हमको दिख रहा है रूट फाइव है, एकदम आसान हो गया। ए पॉइंट पर सी वोल्टेज दिखे हैं इसके कारण भी और इसके कारण भी, अब बी पॉइंट बात करते हैं तो बी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा के बी पॉइंट पर ए के कारण के क्यू अपॉन ये लेंथ आर रूट टू, के क्यू अपॉन आर रूट टू माइनस इसके कारण के टू क्यू अपॉन आर टू आर, के टू क्यू अपॉन टू आर। अब फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देना, यहां माइनस हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया, तो ये प्लस दिख रहा है अब ये प्लस दिख रहा है, तो कितना हो गया बी ए माइनस बी बी यानी कि टू के क्यू अपॉन आर हो गया, ठीक है। और फिर एक दिख रहा है यहां से माइनस में के क्यू अपॉन आर रूट टू और माइनस में के टू क्यू अपॉन आर रूट फाइव, तो हमारे पास साफ दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, तो देखो यहां से टू के क्यू अपॉन आर तो बाहर आ रहा है, यहां बच रहा है वन माइनस में टू, यहां नहीं था टू से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर लेंगे तो वन अपॉन टू रूट टू हो जाएगा, और माइनस में यहां टू बाहर आ गया तो वन अपॉन रूट फाइव, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख रहे हैं, कहीं पर पोटेंशियल कैसे लिख रहा है, दोनों में समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है समझ में दोनों ही सवाल को फिर से पीछे घुमाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते अब चलो कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तेईस है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। यही है चार्ज रिंग जिसका वैल्यू है क्यू और इसका रेडियस दिया हुआ है आर, और इससे किसी कदर आर रूट थ्री डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, आर रूट थ्री डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, माइनस क्यू चार्ज को रेस्ट पे रखा गया है, क्या होगा ये प्लस क्यू चार्ज को खींचेगा, खींचेगा तो अपने बीच में से निकलवा देगा, तो हमको पूछा है सेंटर पर कितनी स्पीड से निकलेगा ये निकाल के दिखाओ। ये सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं, पहले हम लोग डायनेमिक्स से करते थे, अब हम लोग क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सीख चुके हैं तो हम इसके यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। पहला बात तो समझ लो कि कहीं पर भी अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी पोटेंशियल इंटू क्यू, पहले पढ़ चुके हैं क्या, यानी कि जो चार्ज है इस पर पोटेंशियल, इस चार्ज का एनर्जी अगर लिखना है तो यहां पर पोटेंशियल निकाल लेंगे इसके कारण और उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। फिर सुनना मेरी बात को, इसके कारण अगर हम यहां पर पोटेंशियल लिख दें और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पहला बात तो समझ लो यहां से, अब लगाते हैं कुछ नहीं इनिशियली क्योंकि कहीं से ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा, तो नेट फोर्स हमारा जीरो है, बाकी ये इसको हम फिक्स करके रखे हैं तो मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है नहीं, सीधा एक ही काम है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लोग यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, तो वो लगा देंगे, ठीक है। तो क्यों लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, इसीलिए यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। तो क्या बोल देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यूआई के एफ प्लस यूएफ, शुरुआत में यानी जब चार्ज यहां था तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रेस्ट में है। पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इस रिंग का यहां पर पोटेंशियल और इसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके कारण यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये लेंथ है ना, ये लेंथ चाहिए आपको, और ये लेंथ देखो कितना हो जाएगा 314 यानी कि 2 आर हो जाएगा। अरे ये देखो आर रूट 3 है ना, तो आर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आर हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर हो जाएगा एक और आर स्क्वायर यानी 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, वो 2 आर आ गया, यानी कि क्या बनेगा के क्यू अपॉन 2 आर हो गया, और उसको माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके चार्ज से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हो गया हमारे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बाद में सेंटर पर से किसी स्पीड से पास कर रहा हूं, वी स्पीड से,
तो लिख सकते हैं उसको हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से पास कर रहा है, इसका मास भी है m, ठीक है। और बाद में यहां पर जब पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसका चार्ज इसका पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर और इंटू इसका चार्ज माइनस वी इंटू क्यू, ठीक है। अब हमको जो है वी निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं, यहां से लिख रहा है के क्यू अपॉन आर क्यू टाइम्स है ना, माइनस में था इसलिए प्लस हो गया, और यहां हो जाएगा माइनस में के क्यू क्यू अपॉन टू आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वन में से आधा चला गया, हाफ बचेगा, तो के क्यू क्यू अपॉन टू आर दिख रहा है, यहां से दिख रहा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ से आप खत्म हो गया, तो वेलोसिटी आ जाएगा क्या, तो के जगह पर क्या ले सकते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, तो फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, और m इक्वल टू वी स्क्वायर हो रहा है, रूट चला देंगे तो वी आ गया आंसर, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से सेक्टर को क्रॉस कर जाएगा, दैट्स इट, बेसिक सा सवाल था। अगले क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, कुछ नहीं किए हैं, देखो कुछ नहीं किए हैं, शुरुआत में हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है, बाद में जब यह सेंटर से पास करा तब की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, बराबर कर दिए, काम बन गया, थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा मैजिक करना है, खत्म। अगले क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, देख लो ध्यान से अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि फाइंड मिनिमम स्पीड गिवन टू द माइनस क्यू चार्ज सच दैट इट गोज अप टू इंफिनिटी, मतलब कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, ये तो बाबा जकड़ करके रखा होगा, छोड़ नहीं देगा, लेकिन कह रहे कि हम क्या यहां पर ऐसे करके मारे जोर से ये इंफिनिटी को अचीव कर जाए, सीधे निकल ले, यानी कि फिर से ये वापस ना आ पाए, समझ आया बात, यानी कि हमको शुरुआत में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा जिससे कि ये बस इन्फिनिटी को रीच कर जाए, और इन्फिनिटी पर आकर के रुक भी जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो लगा देते हैं वही फिर से, क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू आई के एफ प्लस यू एफ, शुरुआत में दवाई दे रहे हैं स्पीड, क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर दे रहे ना, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्यू आर इन टू माइनस क्यू है ना, इसका वोल्टेज के क्यू अपॉन आर और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो वोल्टेज इनटू चार्ज लिखते हैं ना, इसका वोल्टेज क्या है के क्यू अपॉन आर और इसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू फाइनली हम कह रहे हैं इंफिनिटी पर बात हो रही है, इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, दैट्स इट, मेरा काम बन गया वेलोसिटी का, इसको जरा भेज दो, हाफ ऑफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन आर, तो वी नॉट का होल स्क्वायर का क्या दिख रहा है उसे, क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर इनटू ऊपर में टू नीचे में एम, तो ये यहां से यहां टू आ गया, तो दैट वी नॉट इक्वल टू रूट ओवर दिख रहा है टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर एम, इतना आंसर, यानी कितना स्पीड से अगर हम फेंकेंगे इसको तो ये सीधे वापस हो जाएगा, आज ये यही पूछेगा कि स्केप कितना में कर देते, ये स्केप वेलोसिटी भी वापस नहीं है, दैट्स इट, दिस इज आल्सो स्केप वेलोसिटी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है हम लोग पहले से मान के रखे हैं, ठीक है, दैट्स इट, कॉपी कर लो। इस सवाल को देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे क्या मिनिमम स्पीड दिया जाए प्लस क्यू को, अभी पिछले बार माइनस क्यू था है ना, प्लस क्यू को दिया जाए कि ये इंफिनिटी को अचीव कर जाए, देखो पूरा अच्छा से पहले इस बात को समझना क्या क्या हो रहा है यहां पर, इस प्लस का रिपल्जन तो होना है ने? जब इधर की तरफ और हम स्पीड देखो इधर की तरफ दे रहे हैं तो ये हमें तो नहीं देगा, यानी हमको शुरुआत में कुछ ना कुछ स्पीड से फेंकना पड़ेगा है ना, ये बात होता है कि स्पीड से फेंकेंगे तभी इधर आएगा, अब इमेजिन करो कि ये आते 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 किसी तरह से भी ये सेक्टर को क्रॉस गलती से कर गया, तो ये प्लस वाला क्या बोलेगा, भाई तुम निकल रहे हो अच्छे हुआ तुम निकल लो, नहीं समझ आने लगे पहली बात, समझो यहां से चला ये मान लो रिंग है, रिंग से निकल, नहीं समझ आ, देखो ये चार्ज यहां से चला बहुत जोर से मारे क्योंकि ये प्लस वाला रोकेगा इसको, यहां पहुंचा सेंटर पहुंचा, सेंटर हल्का भी नहीं रहा, ये प्लस वाला बोले तो अच्छा ही निकल लो है ना, इधर से निकल लो आना भी नहीं, समझ में आया बात, तो हमको क्या समझ में आया, हमको यहां पर इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा
जिससे कि कम से कम ये सेंटर को अचीव कर जाए, यानी कि इन्फिनिटी में लगा देंगे, कम से कम ये सेंटर को अचीव कर जाए, मेरा काम बन जाए। सेंटर पर रुकते रुकते भी गलती से थोड़ा सा क्रॉस कर गया, मेरा काम बन जाए। इज इट ओके? तो बस हमको क्या लगाना है, इनिशियल यूआई के एफ यू। शुरुआत में हम दे रहे स्पीड हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन आर थ्री और ये आर, यानी कि हो जाएगा हमारे पास टू आर। ठीक है, टू आर। फाइनली हम चाह रहे हैं सेंटर पर बस किसी तरह से पहुंच जाए, भाई गलती से भी रोकने के लिए बात हो जाए ना, तो है ना, तो ये इसको जोड़ देते हैं प्लस में, मतलब रोक दिए लगभग, इतना तो कह ही देंगे। यू एफ के बारे में बताओ, इसे के क्यू अपॉन आर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, जीरो के क्यू अपॉन आर इंटू क्यू। ठीक है, इतना तो भाई स्पीड देंगे कि मेरा काम बन जाएगा। उधर भेज देते हैं, तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस में के क्यू क्यू अपॉन टू आर दिख रहा है। तो यहां से हो जा रहा है वी नॉट का होल स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन टू आर हो रहा है, और दो से दो खत्म हो गया, तो वी नॉट बराबर हो रहा है क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर एम का रूट। इतना स्पीड इसको देंगे जिससे कि अगर गलती है ना, इस स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा देंगे, है ना, थोड़ा सा ज्यादा देंगे ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, तभी तो हम तो बोल रहे हैं रेस्ट रेस्ट में, यानी थोड़ा ज्यादा दे देंगे, तो ये मेरा ये इधर निकल जाएगा, इसे ये बस उसके बाद बोलेगा तू भाई इन्फिनिटी को ही निकल, आना भी नहीं घूम करके। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कॉपी करो जल्दी से। तो लास्ट का दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, हल्का हल्का ही पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं कर रहा, पोटेंशियल ओ पर निकाल के दिखाओ, पी पॉइंट पर निकाल के दिखाओ। ओ पर निकालने के लिए सीख चुके थे के क्यू अपॉन आर कर देने के लिए, तो पोटेंशियल एट ओ क्या हो जाएगा, इसका चार्ज लिखें के माइनस सिक्स क्यू, है ना, अपॉन आर, और इसे हो जाएगा प्लस में के क्यू अपॉन आर। तो हमारे पास सॉल्व दिख रहा है के माइनस में फाइव क्यू अपॉन आर, यहां पर कैपिटल क्यू नहीं था, स्मॉल क्यू था, दैट्स इट। और पोटेंशियल एट पी अगर बात करेंगे तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा, यहां से यहां तक कंडीशन लिखना पड़ेगा तब, और ये हो जाएगा आई थिंक टू आर हो जाएगा, है ना, अगर रूट थ्री है और ये आर है तो टू आर हो जाएगा। तो के माइनस सिक्स क्यू और ये टू आर लिखेंगे, और प्लस में के इसका चार्ज है क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा टू आर। तो यहां से आ गया अगेन हमारे पास माइनस में के फाइव क्यू अपॉन टू आर, दैट्स योर आंसर। सिमिलरली क्या यहां पर भी निकाल सकते हो, गया निकाल लेना, ये यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस टू क्यू चार्ज है, बन जाएगा। आज का हम लोगों ने रिंग के ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट था हम लोग सीख लिए हैं, अब रिंग के आगे हम लोग देखेंगे डिस्क, और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा अच्छे अच्छे लार्ज बॉडी के ऊपर ट्रिपल सर निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक मिलते हैं, ठीक है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बाय बाय, लाइक बटन दबाओ, क्या होगा, ओके बाय।